बच्ची आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गई है। आपने जैसे ही ड्रीम वेरी होम्स का नाम लिया तो फौरन बच्चे ने रिएक्ट किया। हो सकता है उसके माँ बाप के मिस होने का उस ड्रीम वेरी होम्स से कोई संबंध हो सकता है। एक बार उस एंगल से इंक्वायरी करके देखिए। मेरा नाम मीना है, पूरा नाम मीनाक्षी। मैं निजामाबाद के पास बांसवाड़ा गांव में रहती हूँ। मैं जब डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तब राहुल नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हमने घर से भागकर शादी कर ली। उसके बाद हमारी एक बच्ची हुई जिसका नाम हमने नाइस रखा। हम अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे इसीलिए अपनी बच्ची का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते थे, और इसीलिए हमने उसे एक रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती करा दिया। एक दिन स्कूल से फोन आया कि हमारी बेटी बेहोश हो गई है। राहुल और मैंने जब अपने फैमिली डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बच्ची को एक न्यूरो डॉक्टर के पास रेफर किया। तब हम लोग ड्रीम वेल्स होम आए और वहाँ से रोनाल्ड हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने ले गए, जहाँ डॉक्टर ने बच्ची को टेस्ट करने के बाद उसे एडमिट करने के लिए कहा। उसे एडमिट करके हम ड्रीम वैली होम्स आ गए। राहुल को कोई अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आने लगा और वो जाने की जिद करने लगा। मीना, अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? कितने बार कहूँ? हाँ, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। वो लोग पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं, तुम तो जानती हो ना। होता है तो हो जाए, इतने दिनों से बिजनेस बिजनेस के चक्कर में हमारी बच्ची की ऐसी हालत हो गई है। हमें बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार हो आता हूँ मैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर तुम अब गए तो फिर मत आना, और मैं भी नहीं आऊँगी। इसका मतलब इन दोनों की लड़ाई की वजह से बच्ची अनाथ हो गई है। हाँ बोल। अरे कहाँ हो यार? यहीं ड्रीम वैली होम्स पे। तुम दोबारा वहाँ क्यों चले गए? उस बच्ची का भूत तुम्हें कुछ करना दे? मुंह बंद कर यार, वो बच्ची भूत नहीं है, समझा ना? अबे गधे, वो बच्ची अनाथ है, समझा ना? वो कोई भूत भूत नहीं है, बेवकूफ कहीं का। तो फिर उन दोनों की मौत कैसे हुई यार? ए, कहा ना वो दोनों आत्महत्या कर चुके हैं। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अरे तो फिर सीनों के साथ क्या हुआ यार? हेलो हेलो, सुनो। Thank you.
क्या बात क्या दिखा सर फटा जा रहा है मेरा तो मैडम जैसी लग रही है ये यहां क्या कर रही है मैडम 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 सुनिए तो मैडम हेलो मैडम क्या है यहाँ क्यों आई हैं आप मैडम क्यों नहीं आ सकती क्या घर आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे ऐसी बात नहीं है मैडम यहाँ आने में आपको डर लगता है ना इसीलिए मैंने पूछा किसने कहा कि मुझे मेरे घर आने में ही डर लगेगा वैसे ये बताओ तुम पूरी तरह नशे में धुत होकर दरवाजा खोलकर ऐसे सो रहे थे अगर कोई चोर आकर चोरी करके चला जाता तो क्या होता है सोचा है अरे बाप रे ये भूतिया घर है कोई राजमहल नहीं है यहाँ कोई भी नहीं आता मैडम शट अप मैडम हेलो हाँ मित्रा मैं हूँ हाँ बोलो ना कहाँ हो तुम मैं ड्रीम वैली होम्स में हूँ तुम दोबारा वहाँ क्यों गई अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पहले से ही कोई है वो भूतों को डराने वाला भी है तुम मुझसे होशियार ही रहना मुझे कुछ नहीं होगा तुम आ रही हो क्या कौन मैं बाप रे मैं नहीं आऊंगी वहाँ बहुत है अब मैं दोबारा नहीं वहाँ आने वाली ओके श्योर टेक केयर बाय
ये अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है।